गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई लव यू। आज आप लोगों को विशेषण के बारे में बताएंगे। विशेषण एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे व्याकरण में विशेषण कहते हैं। तो इस हिसाब से विशेषण की परिभाषा हो गई। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए आम मीठा फल है, तो यहाँ पर आम की विशेषता बताई गई है मीठा, तो मीठा विशेषण होगा। तो शिवाजी साहसी थे, यहाँ पर शिवाजी कैसे थे? साहसी, तो साहसी शब्द विशेषण है। चार लड़के खेल रहे हैं, लड़कों की संख्या बताई गई है, कितने लड़के? चार लड़के। तो इस हिसाब से विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेष, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। आम बहुत मीठा फल है, तो यहाँ पर आम की विशेषता बताई गई, इसलिए आम विशेष, मीठा विशेष है। शिवाजी बहुत साहसी थे, तो साहसी शब्द जो है विशेषण है, और शिवाजी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए शिवाजी विशेष हो गए। ऊपर के बात कर रहे साहसी और लड़के विशेषण हो गए, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है। इसमें शिवाजी की विशेषता बताई जा रही है, इसमें लड़कों की विशेषता बताई जा रही है। तो इस हिसाब से ये विशेष हो प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। शिवाजी बहुत साहसी थे, साहसी तो थे लेकिन बहुत साहसी विशेषण है, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत, इसलिए ये प्रविशेषण हो गया। लेकिन थोड़ा शरारती है, तो शरारती विशेषण हो गया। विशेषण की भी विशेषता ये बता रहा है थोड़ा, ये थोड़ा जो है प्रविशेषण हो गया। कैसा एडजेक्टिव विशेषण के भेद, विशेषण के पांच भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार, रंग, दिशा और स्वाद आदि का बोध कराता है,
अर्थ विशेषता बताता है उन्हें पूर्णवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए गुण में ईमानदार, दोष में शरारती दुष्ट बेईमान, दशा में गरीब अमीर, अवस्था में युवापन बचपन, आकार में चौकोर गोलाकार, रंग में काला सफेद, दिशा में पूर्वी उत्तरी, स्वाद में खट्टा मीठा आदि, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए लक्ष्मी बाई एक वीरांगना थी। वीरांगना पुरुष के लिए वीर आता है, बहादुर होता है, और नारी जाति के लिए वीरांगना होता है। तो वीरांगना जो शब्द है लक्ष्मी बाई की वीरता गुण की विशेषता बता रहे हैं। सत शेखर सच्चे देश भक्त थे, तो देश भक्त ये गुण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, डिफिनिट एडजेक्टिव और इंडिफिनिट एडजेक्टिव दो खंडों में विभक्त किया गया है। जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक। उदाहरण के लिए दो बच्चे खेल रहे हैं, तो दो बच्चे जो है बच्चे कितने हैं, दो, संख्या निश्चित है। अनिश्चित संख्यावाचक में यहाँ आम के अनेक वृक्ष हैं, कितने वृक्ष हैं, अनेक, पता नहीं, निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक दो प्रकार के भेद होते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो विशेषण मार्ग और संबंधी विशेषता बताते हैं, संज्ञा या जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के मार्ग और संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, कितना कपड़ा लगता है, 2 मीटर। परिमाणवाचक में भी 2 होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। 2 मीटर कपड़ा निश्चित परिमाणवाचक, और टोकरी में थोड़े फल रखे हैं, फल कितने हैं मालूम नहीं, थोड़े, तो थोड़े तो है अनिश्चित परिमाणवाचक। चौथा है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं
उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए संकेत का काम करते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। या संज्ञा के तुरंत पहले, संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है, और सर्वनाम के बाद संज्ञा नहीं आता है तो सर्वनाम होता है। इस हिसाब से अगर संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाता है तो सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, विमान एक्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। उदाहरण के लिए यह संदूक मनोहर की है, मनोहर के पहले यह आ गया है, उस किताब में कहानियां हैं, किताब, किताब के पहले उस संकेत दिया गया है, तो सर्वनाम आ गया है। इस हिसाब से ये सार्वनामिक विशेषण है। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। बनारस से बनारसी, जापान से जापानी, इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरिया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, उदाहरण के लिए जापान से जापानी। अब आ जाओ व्यक्तिवाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाण वाचक संख्याओं को गिना नहीं जा सकता, वो मापदंड को बताते हैं, जबकि संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है। परिमाणवाचक विशेषण मापदंड संबंधी विशेषता बताते हैं, और व्यक्तिवाचक विशेषण को गिना जा सकता है, परिमाणवाचक विशेषण की गिनती नहीं की जा सकती। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रोनाउन एंड डिमांड। परिमाणवाचक विशेषण ये तो बताया, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अगर संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाता है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है, और संज्ञा या सर्वनाम की
की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वह लड़का शरारती है, तो लड़का जो है संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले वह आ गया है सर्वनाम, इसलिए यहाँ पर ये सर्वनामी विशेषण हो गया है। वह शरारती है सर्वनाम, यहाँ पर वह जो है सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। इस हिसाब से संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम और सर्वनामी विशेषण में ये अंतर है। ये भाग वन विशेषण भाग है और भाग दो भाग वन है, भाग दो नेक्स्ट आगे बताऊंगा।